ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। बहुत खुशी है आपके साथ जुड़कर आज के प्रोग्राम में। हम कुछ नया सीखेंगे, नया जानेंगे और हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं उस अनजाने भय के बारे में। जी हाँ, अनजाने फ्यूचर, भविष्य के बारे में हम अक्सर सोचते हैं और सोच करके डर जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये जो डर है हमें पैरालाइज कर देता है, क्रिपल कर देता है और ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी नेगेटिवली प्रभावित करता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। रिबेका, यू नो, जब हम फ्यूचर के बारे में इतना वरी करते हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो, क्या होगा, इट्स कॉल्ड एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी। तो मतलब वी गेट सो वरीड एंड सो क्रिपल्ड बाय, जैसे आपने कहा, हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है, क्या करेंगे नेक्स्ट। एंड कई बार हम अपने जीवन में भी वी जस्ट स्टार्ट वरिंग एंड बट वॉट डू वी डू इन दोज टाइम्स कि कल का एंग्जाइटी इतना होता है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, हमारे बच्चों का क्या होने वाला है, वॉट डू वी डू इन दोज सिचुएशंस देन। ये इसलिए होता है क्योंकि हम आने वाले भविष्य को जानते नहीं हैं, वी डोंट नो, और हम सब चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है, यू नो। लेकिन अगर हम उसे जाने जो हमारे भविष्य को होल्ड करता है, जिसके हाथों में हमारा भविष्य है, जिसने हमें सृजा है, जो हमसे प्रेम करता है, जिसने अपने आप को पूरी तरह से हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तब हम चिंता नहीं करेंगे क्योंकि हम जानेंगे दैट द वन हु होल्ड्स आवर फ्यूचर इज वर्थी ऑफ होल्डिंग इट। ही विल जस्ट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड ही विल डू ऑल थिंग्स वेल। वो सब कुछ अच्छा ही करेगा। तो दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए और इसके बारे में और जानने के लिए हम मिलते हैं सविता रुबीना से, जिनके सामने जीवन और मृत्यु की चिंता थी, पर किस चीज ने उन्हें थामे रखा, आइए जानते हैं। अजमेर की सविता बेटी की शादी के बाद खुश थी, पर कुछ दिनों बाद ही उनके पति बहुत बीमार हो गए। लंबे इलाज के बाद उनकी तबीयत में तो सुधार आ गया, पर सविता को पता चला कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। हम लोग फैमिली प्रेयर कर रहे थे, अचानक मेरे हाथ में एक कुछ चुभन सी हुई। दूसरे दिन फिर फैमिली प्रेयर के टाइम ही हाथ में चुभन सी हुई और हमने सोचा पता नहीं ऐसे ही कुछ हुआ होगा। और इस तरीके से मेरे हस्बैंड की दवाई लेने के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे थे, बेटे ने कहा आप भी चलो, वहाँ गए और अचानक से मन में आया कि मैं अपना हार्ट दिखा लूँ। उस दिन सविता को मालूम हुआ कि उनके दिल में बचपन से ही सुराख है। होल जो था 14 mm का था और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका ओपन हार्ट सर्जरी होगा मैम, आपको अभी तक पता नहीं था क्या? मैंने कहा नहीं, जिसमें कि मेरे स्टेक्टमी हुई हुई थी, एक्टोपिक हुआ हुआ था। डॉक्टर ताजुब करने लगा कि आपको पता नहीं चला? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब। तो ये एक मेरे लिए बड़ा अचंभा था और मेरे परिवार और मेरे लिए एक मानसिक रूप से एक बहुत ज़्यादा प्रताड़ना थी। सविता बस सर्जरी के खर्च को लेकर निश्चिंत थी क्योंकि उन्होंने एक हेल्थ पॉलिसी ले रखी थी। लोगों ने, पॉलिसी वालों ने इसको डिनाई कर दिया कि ये होल को तो हम कवर नहीं करेंगे आपके। और मैं बड़ी उस समय टूट गई और भी ज़्यादा मेरा स्ट्रेस बढ़ गया क्योंकि मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि मेरे पास मेडिकल पॉलिसी है। तो मैं कई चीज़ों से उस समय मैं जूझ रही थी और मैं परमेश्वर से यही कह रही थी, प्रभु मैं किस किस टेंशन को झेलूं, फाइनेंशियली टेंशन को झेलूं, फैमिली के टेंशन को झेलूं, अपने टेंशन को झेलूं, या मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्योंकि जिससे भी पूछो वो एक नया डॉक्टर बता देता था। तब सविता को बाइबल के वचनों से सहारा मिला और मैं पूरी रीति से परमेश्वर पर समर्पित थी, क्योंकि मैं परमेश्वर को जब भी मेरी आँख खुलती थी मैं यही कहती थी रोके कि परमेश्वर तेरी इच्छा है, तैने जीवन दिया है, यदि तू इस जीवन में को लेना चाहता है तो तेरी मर्जी है, लेकिन परमेश्वर ये हृदय तूने बनाया है और ये कैसे छेद हुआ मुझे नहीं पता, इसीलिए परमेश्वर तू रास्ता निकाल। तब मुझे बाइबल की यशाया 41:10 में जो कहता है कि मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे दाहिने हाथ संभाले रहूँगा। तो ये वचन मेरे को बहुत अंदर तक हिलाता था कि परमेश्वर ये कहते हैं कि मत डर।
सविता के चर्च के लोग भी उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे थे और कुछ दिनों बाद उन्हें प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगा। फिर उनके पहचान वालों ने उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बताया जहां उनका ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया। और इस तरीके से मेरा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और इस चीज़ को सच में मानती हूँ कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन है। परमेश्वर से जितनी भी प्रार्थनाएं अब तक के जीवन में की हैं, चाहे बीमारी को लेके की हैं या पर घर की किसी भी प्रॉब्लम को लेके की हैं, परमेश्वर ने उसके उत्तर हमें हाँ और आमीन में दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। वो हमारी गिड़गिड़ाहट पर कान लगाता है और उसका वायदा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सच में परमेश्वर हमारे संग संग रहा और परमेश्वर ने हमको बहुत बेहतरीन तरीके से एक नई जिंदगी दी। थैंक यू सविता रुबीना जी, आपने इतने अच्छे से अपनी सच्ची कहानी हमें बताई, हमारे साथ शेयर की और अंत में आपने इतने सारे परमेश्वर के वचन बताए जिन्होंने आपको इंकरेजमेंट दी और इन्हें सुनकर हमें भी इंकरेजमेंट मिली। और कैसे परमेश्वर ने, जैसे कि आपने कहा, वो हमें उत्तम से भी उत्तम चीज़ें देता है, जितना हम सोचते हैं उससे भी बढ़कर वो हमारे जीवन में करता है। जी दोस्तों, जब हमारी सर्कमस्टेंसेस हमारे अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड होती है तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी बहुत, वी गेट वेरी वरीड अबाउट द फ्यूचर, पर इन हर हालातों में हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। जी दोस्तों, कितनी अच्छी बात है ना कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम सब चिंता करते हैं, हम कहते तो हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हम सब अपने जीवन में चिंता करते हैं। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं जो हमें सताती हैं। और हम जो बहनें हैं, जो महिलाएं, हम तो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, सबके बारे में हम चिंता करते हैं। इट हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस नाउ। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में मार्था और मरियम की कहानी देखते हैं कि कैसे मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में रिसीव किया, आमंत्रित किया, और जब वो खाना बनाने के लिए रसोई में गई तो बहुत सारा काम था, और कैसे वो बहुत चिंता करने लगती है कि शायद मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे इतना काम करूंगी, कैसे सबको खिलाऊंगी, पूरा होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या। और वो जब चिंता करती है, घबराती है, तो वो कुड़कुड़ाती भी है और आकर के प्रभु यीशु मसीह को कंप्लेन करती है अपनी बहन मरियम के बारे में। और मरियम कहाँ है? वो तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई है, वहाँ पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर है और उसके जीवन में हम कोई चिंता नहीं देखते। दोस्तों, क्या आज आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं? क्या आप भी बहुत चिंतित हैं, बहुत घबराए हुए हैं? और क्या आप भूल गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, वो आपके साथ हैं। उनके सामर्थ को जानने की बजाय, उनके प्रेम को जानने की बजाय, ये याद रखने की बजाय कि उन्होंने तो 5 मछली और 2 रोटियों से इतने सारे लोगों को खाना खिलाया, ये समझने की बजाय कि कैसे उन्होंने तूफानों को उन्होंने शांत कर दिया, बीमारों को उन्होंने चंगा कर दिया, वो सब कुछ कर सकते हैं और वो हमेशा हमारे साथ हैं, ये सब याद रखने की बजाय और इन पर ध्यान देने की बजाय, क्या हम आने वाले कल पर अपना ध्यान दे रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि कल क्या होगा? क्या हम भूल गए हैं कि हमारा भविष्य तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है? दोस्तों, आइए इस समय हम ये वचन देखें। दोस्तों, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहे। उन्होंने कहा, मार्था हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह हम सब से कह रहे हैं कि हमें क्या चुनना है? घबराना नहीं, हमें ये चुनना है कि हम अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएंगे, हम उनके वचनों पर अपना ध्यान लगाएंगे, हम प्रार्थना में अपना ध्यान लगाएंगे और हम हर घबराहट से और हर चिंता से अपने आप को दूर रखेंगे। दोस्तों, आज आप क्या चुनेंगे? क्या आप चुनेंगे परेशान रहना हमेशा, या आप चुनेंगे प्रार्थना? इफ़ यू वुड लाइक प्रेयर, अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं, मेक श्योर आप हमें कॉल करें। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आपके साथ मिलकर जरूर प्रार्थना करेंगे फॉर ऑल योर वरीज इन लाइफ।
जी, और दोस्तों आप याद रखें कि अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers। यहाँ जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अपने लव्ड वंस को भी काउंसलिंग स्लॉट्स गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम रेवरेंड अर्पण जेकब के साथ मिलकर एंटिसिपेटरी एंजाइटी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, विल बी राइट बैक। ए मन कहां से ला आऊं मेरी भक्ति में जो मन लगे। मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को समझकर उत्तराखंड के छोटे से गांव की महिलाओं ने अपने रोजमर्रा के जीवन में उठने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज को बेहतर मैनेज करना सीख लिया है। जब हमें टेंशन होती है तो हम किसी के सामने बात करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बुरे विचार हैं उनको हमको हटा के अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे सोच वाले इंसानों के साथ रहेंगे तो हमारी नकारात्मक सोच है उससे हमें जल्दी छुटकारा मिले। अगर मुझे कोई भी दुख की काम रहती तो मैं हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। मैं मुझे कभी ऐसी फीलिंग आती है या मैं स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जब वो दुख वाले मतलब वो आते हैं मेरे मन में तो मैं झट से हटा देती हूँ या गुनगुनाती रहती हूँ। चलिए साथ मिलकर कई और महिलाओं को मेंटल हेल्थ पर अवेयर करें। भक्ति में जो मन लगे। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं उस चिंता के बारे में जो अक्सर हम आने वाले भविष्य के बारे में करते हैं, जैसे हम एंटिसिपेटरी एंजाइटी भी कहते हैं। और हमने जाना है कि कैसे कि हमारे मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है और अपने जीवन को हर चिंता से दूर रखना है। जी दोस्तों, आप अपने आने वाले समय की चिंता इस वचन पर भरोसा रखकर छोड़ सकते हैं, जो कहता है जेरेमिया 29:11 में, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू एंड टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। तो चलिए इसी वर्स के साथ हम जुड़ते हैं प्रेयर लाइन से, जहां हम एंटिसिपेटरी एंजाइटी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेवरेंड अर्पण जेकब, जो इंग्राम मेथोडिस्ट चर्च गाजियाबाद के पासवान हैं, और निवेदिता, और ये मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम भी इनके साथ प्रार्थना में जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीबीएन प्रेयर लाइन। दोस्तों अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग जन है जिनके चले जाने का डर आपको कॉन्स्टेंटली सता रहा है, रातों में उस एक फोन कॉल जिससे आपका जीवन बदल सकता है उसका डर सता रहा है, इसे एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं। भविष्य में कुछ बुरा हो जाने का डर, ये किसी भी कारण आपकी नींद उड़ा सकता है। इस एवर प्रेजेंट एंजाइटी के अगेंस्ट सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ आप जुड़ सकते हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट से, रेवरेंड अर्पण जेकब। वेलकम पास्टर। हेलो निवेदिता, और आप सभी को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। पास्टर, फ्यूचर का जो स्ट्रेस है वो हम सबको होता है, जाने अनजाने हम लेते नहीं है, बट फिर भी कोई कोई थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमें सता के रखते हैं। जैसे कि स्पेशली मुझे अगर जिस बात का डर लगता है वो जब भी मैं किसी और के पेरेंट्स के गुजर जाने की खबर सुनती हूँ तो अपने पेरेंट्स के लिए भी डर लगता है। तरह तरह के जो डर हैं, एंजाइटी जो हमें देती हैं, उससे उसका सोल्यूशन क्या है, उससे कैसे बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल निवेदिता, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, और ये भविष्य में होने वाली या ना होने वाली घटनाएं, इससे कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का जीवन जो है वो छुलता है। और हम जानते हैं कि अगर एक सिक्योरिटी हो तो दैट गिव्स यू एन इमेंस जॉय, बट लेकिन ये अनसर्टेनिटी तो जीवन में आनी ही है, ये तो हम नहीं जानते। भजन संहिता 90 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे जिससे मैं और बुद्धिमान हो जाऊं। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर वचन के अंदर क्या कहता है। यर्मिया 29:11 अध्याय में लिखा हुआ है, तेरे विषय में जो मेरी कल्पनाएं हैं उन्हें मैं जानता हूँ। जरूरी नहीं कि हम जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर जानता है, और वो कहता है कि वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। तो इससे पहले कि मैं समझूं, इससे पहले कि हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे लिए अनसर्टेन हों, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं, पर मुझे ये ज़रूर जानना है कि मेरा परमेश्वर, जिसकी मैं क्रिएशन हूँ, जिसने मुझे बनाया है, जो मेरा रचेता है, वो जानता है।
इस फीलिंग के साथ हमें अपनी मर्जी परमेश्वर को सौंप देनी चाहिए, सरेंडर कर देनी चाहिए, और सरेंडर करने के साथ ही एक फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ फ्रीडम। इस बात का फ्रीडम कि हम भले ही समझें या ना समझें, हम भले ही कुछ चीज़ें गलत करें या सही करें, लेकिन मेरा परमेश्वर है जो मुझे संभालता है, मेरी जिंदगी की बागडोर, मेरी जिंदगी जो एक पतंग की समान है, उसकी डोरी परमेश्वर के हाथ में। तो इस समय मैं आपसे विनती करूंगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं इस समय एंशियस है, घबराए हुए हैं किसी थॉट को लेकर, वो आज़ादी का जीवन जी पाए, इसके लिए उनके लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल निवेदिता, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है, इससे पहले कि तूने जमीन और आसमान बनाए, हम पहले ही तेरी चिंतन में थे। प्रभु चाहते हैं कि वो सभी लोग जो अपने आप में भय से ग्रसित हैं, खासतौर पे एंटीसिपेटरी एंजाइटी से पीड़ित हैं, हाँ नहीं पता प्रभु भविष्य क्या होगा, भविष्य क्या लेके आएगा, पर प्रभु मेरा तो कल भी तू था, मेरा आज भी तू है, और मेरा कल भी तू होगा। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उन सबको दिलासा दें, सांत्वना दें, कंसोल करें, हाँ प्रभु उन्हें बताएं कि आप वो प्रभु हैं जो कभी नहीं छोड़ते, ना कभी त्यागते और ना कभी तसते हैं। हम अपने आप को प्रभु और उन सभी लोगों को जो पीड़ित हैं एंजाइटी से, डिप्रेशन से, तेरे हाथ में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर, मुझे आशा है कि लोगों को एनकरेजमेंट मिली होगी। और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये फ्यूचर का डर है, वो बाइबल से हम उससे क्या सीखते हैं और कैसे हम इससे आजादी पा सकते हैं? मूसा सुबह से लेकर रात तक वो एंजाइटी से पीड़ित था, उसके पास अपने लिए भी समय नहीं था, लेकिन ऐसे वक्त में जेथ्रो आया, उसके ससुर आए, एंड ही गेव हिम द प्रिंसिपल ऑफ जेथ्रो, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। और हम कई जगह देखते हैं जैसे कि एलाइजा पहला राजा में भी जिक्र मिलता है कि एलाइजा वाज आल्सो एंशियस अबाउट द पीपल ऑफ गॉड, अबाउट द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, बट देन ही वाज आल्सो हेल्प्ड बाय गॉड। तो बहुत जगह बाइबल में हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि जब हम पूर्ण रीति से अपनी मर्जी को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर पर आधारित करते हैं, तो ही टेक्स केयर ऑफ इवन वेरी वेरी स्मॉल एंड माइन्यूटेस्ट थिंग्स इन आवर लाइफ। जी सो पास्टर, इस समय में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो वचन है एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और प्रार्थना से बहुत बदलाव आ सकता है। सो इस समय आप हमारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर पर अपना विश्वास रख पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं फिर से, आपने हमें मौका दिया प्रभु, होने दे कि हम अपना विश्वास तुझ पर आधारित करने वाले हों, ताकि हमारे कर्म प्रभु, हमारे एक्शंस, हमारे वर्क प्रभु आप डिसाइड करने वाले हो। हाँ प्रभु हम वो करें जो आप चाहते हैं, हम सब बातों में आपको सारा आधार बना देते हैं, हम सब बातों में प्रभु आपको सारा सारा गौरव दे देते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों आप परेशान ना हो, एंशियस फील ना करें, परमेश्वर आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपको फ्यूचर का डर सताए रखता है, रातों को जगाए रखता है, तो आप हेल्प सीक कर सकते हैं। You deserve to live peacefully because of what God has done for you and me. आप काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं to deal with anxiety. इन तीन इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. स्टेप 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. अब हम चलते हैं। Till then, bye and take care. God bless you all. थैंक यू वेरी मच रेवरेंट अर्पण जेकब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने प्रार्थना की और परमेश्वर के वचन से आपने हमें इंकरेज भी किया। गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों अगर आप भी इसी तरह प्रार्थना चाहते हैं और प्रार्थना सहायता चाहते हैं, तो आप सीबीएन प्रेयर लाइन में हमारे साथ जरूर जुड़े। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं हमारे लाइव प्रेयर के बारे में, जो हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे होता है। इस महीने आप हमारे साथ जुड़िए 24th October at 3 PM। तो मेक श्योर यू आर देयर और अपने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हमें ज़रूर भेजिएगा, एंड वी विल बी प्रेइंग फॉर यू लाइव। जी दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब हमारे लिए प्रार्थना होती है, हमें हौसला मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है, और परमेश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। आइए इस समय हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज शुक्रवार है तो शुक्रवार में हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और साथ ही आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। स्टे विद अस। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level.
Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, faiths and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज में हम एंटिसिपेटरी एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर हम आने वाले कल के बारे में चिंतित होते हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर से मदद पा रहे हैं और जान रहे हैं कि हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो है जो हमारे भविष्य को अपने हाथों में संभाले हुए है। दोस्तों, आज फ्राइडे है और अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का। और आज का पहला मैसेज है, CBN टीम, यू आर डूइंग ग्रेट थिंग्स। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसे डिस्क्राइब करने के लिए। ये मुझे सब कुछ देता है जब मैं अपने जिंदगी के मुश्किलों से गुजरता हूँ। इट रियली हेल्प्स मी। मे गॉड ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल। ग्लोरी एंड प्रेज गॉड। और ये बहुत अच्छा सा कॉमेंट हमें हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आया। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कॉमेंट। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई फीडबैक है या कॉमेंट्स है, मेक श्योर यू सेंड अस अ मैसेज या कॉमेंट ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। यस, और आइए दोस्तों देखें एक और मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, भाई राहुल ने बहुत अच्छे से हमें समझाया और गिदोन के एग्जाम्पल से हमें सिखाया कि कैसे जब हम अपने शब्दों से एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो हम उन्हें इंकरेज करते हैं और जीवन में ऊंचा उठाते हैं। थैंक्स CBN फॉर द लवली मैसेज थ्रू टेस्टिमनी एंड स्टोरी। गॉड ब्लेस। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। आप YouTube पर हमारे प्रोग्राम्स लगातार देखते हैं और अपने कॉमेंट्स के द्वारा आप हमें इंकरेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आइए दोस्तों, इस समय हम प्रार्थना करें। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आपके मैसेजेस के लिए, और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सबके लिए। और आप हमारा परिवार हैं, आप हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। थैंक यू सो मच। आइए इस समय हम आपके लिए खास प्रार्थना करें, ताकि अगर आज आप अपने जीवन में किसी भी तरह की चिंता को लेकर के परेशान हैं, तो परमेश्वर होने दे कि हर चिंता आपके जीवन से दूर हो जाए और परमेश्वर की शांति को आप जान पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों में कहा है कि हम अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल दें। आप हमारी चिंताएं, हमारे बोझों को लेकर अपना आराम आप हमें देना चाहते हैं। हमारी मदद करें कि हम अपनी चिंताएं आप पर पूरी तरह से डाल सकें, हम आप पर विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, हम पूरा भरोसा आप पर रखें। और जो भी हमारी मुश्किलें हैं जिनमें से आपकी इच्छा के अनुसार हम निकलते हैं, हम जाने कि ये भी हमारी भलाई के लिए हैं, इसमें से भी आप हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेंगे। हमारे सारे दर्शकों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो हमारा परिवार है, एक नई जिंदगी का परिवार है। हम उनके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम मांगते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई भी चिंता है जो उन्हें सता रही है, परेशान कर रही है, आपके नाम में, आपके सामर्थी नाम में ये सारी चिंताएँ दूर हो जाएँ और वो आपकी शांति को जान पाएँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम आने वाले कल की चिंता ना करें, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। हमारे आने वाला कल तो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, इसलिए हौसला रखें और परमेश्वर के पास लगे रहें और उनके आनंद को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते रहें। दोस्तों, आइए देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। Thank you.
दोस्तों वचन हमसे कहता है डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, ना वर्तमान ना भविष्य की चिंता करें, एंड नॉट टू वरी अबाउट एनी सिचुएशन दैट कम्स अवे, बट हर परिस्थिति में धन्यवाद और प्रार्थना हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल दोस्तों, हम ऐसा ही करें। और आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि कैसे सविता इतनी परेशान थी, हर तरह से उनके जीवन में मुश्किलें आ रही थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की मदद को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। दर्शकों, अपनी इन यादों को खूबसूरत बनाए रखते हुए अब आपसे विदा लेते हैं इस सुंदर से जबूर के साथ, विच तेरे हजूर। जी और दोस्तों, ये हमारे लिए गा रही है सोनू स्टीफन, ये भजन 102 पर आधारित है। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को एंजॉय करें, जबूर को एंजॉय करें और परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें। सो ऑल ऑफ यू हैव अ लवली डे, एंड हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, मेरी दुआ हुन पहुंचे, मेरी दुआ हुन पहुंचे। मुँह में थो ना छुपाई, तंगी बीच तू कान लगाई, मुँह में थो ना छुपाई, तंगी बीच तू कान लगाई, देमी उतर जरूर पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। बलदा तंदूर जिमें बलदा तंदूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, मेरी दुआ।